नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। कि जो ईसीएल का तिरपाल होता था उसमें लिखा हुआ था ईसीएल से चुराया हुआ। तो मैं बाबूजी से पूछा कि बाबूजी ईसीएल से चुराया हुआ क्यों लिखा है? तो बाबूजी बोले कि इसलिए लिखा हुआ कि कोई कोलियरी का आदमी इसको अपने घर में नहीं ले जाए, घर में ले जाके यूज नहीं कर सके। वो चीज भी मैंने देखा। मैंने देखा है कि होली के समय हर कोलियरी इलाके में बड़ा बड़ा टीना में पूरा पूरी पकवान बनते हुए मैंने देखा है। शाम के समय एक एक इलाके के लोग, गोरखपुर के इलाके के लोग अलग, जबलपुर के लोग अलग, सिवान के अलग, छपरा के अलग, देवरिया के अलग, टोली में होली गाते हुए लोगों के घर के सामने जाते थे। और होली में जो गाली का गीत होता है हिंदी वासियों का, वो गीत तब तक गाते रहते थे जब तक घर का आदमी आके 50 रुपया 100 रुपया नहीं देते, तब तक किसी का दुआ नहीं छोड़ते थे। वो मैंने देखा। लेकिन आज सारी परिस्थितियों पर यदि ध्यान दिया जाए, और मैं खुद जब अपने बचपन के बारे में सोचता हूं तो केवल एक प्रश्न बार बार मन में जागता है कि कहां गए हुए थे, हमसे हमारा परिवेश क्यों छीन लिया गया, हमसे हमारी मीठी यादें क्यों छीन ली गई। और हमारी इन यादों को छीनकर, मुझे याद है कुंवर कोलियरी, जब हम लोग कोलियरी जाते थे वहां बिपिन झा नाम के एक व्यक्ति का स्टैचू लगा हुआ था। मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि बाबूजी बिपिन झा कौन है, इनका स्टैचू क्यों लगा? तो बाबूजी ने बताया था कि ये ट्रेड यूनियन के बड़े नेता थे और उस वक्त प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, प्राइवेट मालिक होते थे और उनके खिलाफ ये आंदोलन करते थे, इसलिए इनका खून कर दिया गया और बाद में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कोलियरी का नेशनलाइजेशन हुआ। ये बताया, पता चला था कि जब प्राइवेट कोलियरिया हुआ करती थी उस समय हफ्ता पेमेंट होता था, महीने में पेमेंट नहीं होता था, हफ्ता पेमेंट होता था। और हफ्ता पेमेंट में मालिक का जो मन आया वही पेमेंट दे दिया और उसी पेमेंट में आदमी को मान लेना पड़ता था उस पेमेंट को, उसके खिलाफ कोई बल्ले बोलने का जगह नहीं था। फिर धीरे धीरे कोलियरी का नेशनलाइजेशन हुआ, सरकार के हाथ में कोलियरिया गई और धीरे 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 जो मजदूर थे उनकी अवस्था भी पहले से कुछ बेहतर हुई। और फिर एक और दौर आया जब अंधे ट्रेड यूनियन एक्टिविटी के कारण एक के बाद एक कोलियरों को फिर बंद होना पड़ा। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने शपथ लिया और मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के बाद रूप में शपथ लेने के बाद ही जो निर्णय किया कि अपरिसीम क्षमता किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट के हाथ में भी ऐसी क्षमता ना होनी चाहिए कि वो मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करे और मजदूरों के पास भी ऐसी क्षमता न दी जाए कि वो मालिक के साथ या जो मैनेजमेंट है उनके साथ गलत व्यवहार करे। इसलिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जहां पर मालिक पक्ष भी रहे, मजदूर पक्ष भी रहे और सरकार की भागीदारी रहे, ये तीन पक्ष मिलाकर एक सिस्टम शुरू किया गया। कोई भी समस्या हो इसमें तीनों पक्ष मिलकर बात कर, इसमें एक सरकार का नुमाइंदा भी हो और सरकार के नुमाइंदे के सामने दोनों पक्ष मिलकर बात करें, कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, कोई किसी पर अनैतिक दबाव नहीं डाल पाएगा। यह सिस्टम ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और अब खुद हाल ही के दिन आ रहे थे। ठीक ऐसे समय में हमारे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जो हमारे देश के मुखिया है, प्रधान है, उन्होंने जो अपना 56 इंच का सीना दिखाया और 56 इंच का सीना दिखा के एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें लोगों को लगने लगा कि यह व्यक्ति यदि हमारे देश के गद्दी को संभालता है तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस 56 इंच सीने में कोल इंडिया भी शामिल हो जाएगा, सेल भी शामिल हो जाएगा, रेल भी शामिल हो जाएगा, पोस्टल डिपार्टमेंट भी शामिल हो जाएगा, बैंक भी शामिल हो जाएगा। यह सीना इतना बड़ा होगा
कि हर कोई इस सीने में अपना सर रखकर सुकून के साथ अपना जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन जब ये सीने को के सर पर अपना सर रखकर अपने दुख दर्द को बांटने की बारी आई, तब हमने देखा कि सीने के अंदर जो दिल होता है वो तो गायब है, ये केवल बॉडी बचा हुआ, इसके अंदर दिल नहीं है। इस सीने में कान लगाकर आप सुनेंगे तो धड़कन की आवाज नहीं आती है, वहां नोटों की खनखनाहट आती है, रुपए पैसे का आवाज वहां से ज्यादा आता है। इस सीने में आप अपना सर रखकर निश्चिंत नहीं हो सकते। ये सीना तो बाहर से दिखने में 56 इंच का है, लेकिन इसके अंदर जो दिल है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और जैसे जैसे दिल पार होते जा रहा है, दिल का की जो साइज है वो और छोटी होती जा रही है। और जितना 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी का दिल जितना छोटा होता जा रहा है, आपके जीवन में तकलीफ, आपके जीवन में परेशानियां, आपके बंधु ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व पार्लामेंट थे मैदानी लड़ाई आईनी थे पार्लामेंटर बाहर सर्वत जे कथा अपने से कथा ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व शपथ लीते शिखी हिटलर स्वाधीन नहीं चलेगी, मोदी शाहीन नहीं चलेगी, हिटलर शाहीन दाना बोले शेष करब। गतकाल घटनाचक्रे আমাদের পরশুর আয়োজন কেমন হচ্ছে আমি যথাযথভাবে আমাদের মলয় দা, সুদীপ দা, সৌগত দা, সুব্রত দা, শোভন দা, পূর্ণেন্দু দা, দেরেক ওব্রায়েন, পার্থ দা, শুভেন্দু বক্সী দা সবার সাথে কথা বলেছি কিনা, লোকজন ভালো হবে কিনা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সবাই খবর পেয়েছে কিনা জানার জন্য দিল্লি থেকে ফিরে ঘটনাচক্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সাথে কথা বলেছেন। এলাকাতে 100% FDI মানবো না, আমরা ডিফেন্সে কর্পোরেটাইজেশন মানবো না, আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ডিজ ইনভেস্টমেন্ট মানবো না, আমরা ব্যাংককে তুলে দেওয়া, বিমাকে তুলে দেওয়া চক্রান্ত মানবো না। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খুদা হাফিজ, জয় জোহার, ইনশাল্লাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল ইউনিয়ন কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য জিন্দাবাদ। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। আমরা ডিফেন্স এন্ড কর্পোরেটাইজেশন মানবো না, আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ডিজ ইনভেস্টমেন্ট মানবো না, আমরা ব্যাংককে তুলে দেওয়া, বিমাকে তুলে দেওয়া চক্রান্ত মানবো না। আজ সে বহুত সাল আগে সান 1972 মে 72 কা আগে ইয়ে কয়লা খাদান প্রাইভেট মালিকো কা হাত পে থা, বেঙ্গল কোল কোম্পানি থা, ইকুইটেবল কোল কোম্পানি থা, আর বহুত সা ছোটা ছোটা কয়লা খাদান কা মালিক থা, জো লোক কয়লা উঠাতে থে আর বেচতে থে। লেকিন জো শ্রমিক লোক কাম করতা থা, শ্রমিক লোক কা হালত কিয়া থা, জিতনা এক কোলে মে এক তরহ কা তনখা, দূসরা কয়লা খাদান মে দূসরা তরহ কা তনখা। कोई भी श्रमिक अगर बीमार में 5 दिन ड्यूटी में आने नहीं सका तो उसका नौकरी किया, मालिक उसको बोलता था तुम्हारा कोई नौकरी का दरकार नहीं है, तुम घर चला जाओ। नरेंद्र मोदी का जमाना में फिर वही दिन आने वाला है, और इसका विरोध जबरदस्त रूप से करना है। कैसे हम लोग करेंगे विरोध? देखिए, देश में अभी बंगाल में ही पूरे देश में एक ही लीडर है, एक ही नेत्री है जो नरेंद्र मोदी का खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी का तानाशाही का विरोध आवाज उठा रहे हैं, जो ये सरकार का जो श्रमिक विरोधी नीति इसका विरोध में आवाज उठा रहे हैं। 2014 में
एक चुनाव हुआ था लोकसभा का, आप लोग का मालूम है हम लोग भी बहुत जगह पर तोड़ा किए थे। सभी भाई लोग का सामने भी कहा था कि भाई ये सरकार जनता का सरकार नहीं होगा, इसलिए कि बीजेपी पार्टी कभी गरीबों का पार्टी नहीं है, बीजेपी पार्टी अमीरों की पार्टी है, बीजेपी पार्टी बड़ा बड़ा पूंजीपतियों की पार्टी है, बीजेपी पार्टी कभी स्वामी का गरीब का भलाई का बारे में नहीं सोचता। आज 5 साल बीत के 6 साल चल रहा, 6 साल के अंदर एक भी काम बताइए ये सरकार ने किया जो गरीबों को भलाई के लिए किया, एक भी काम बताइए जो ये सरकार ने किया जो श्रमिकों के भलाई के लिए किया है, नहीं किया है। पहला 5 साल में इन्होंने जो हम लोग का रिजर्व बैंक का सोना मौजूद था, गोल्ड जो मौजूद था, इसको गिरवी रख दिया था, और इस बार जीतने के बाद रिजर्व बैंक का जितना पैसा कैश रुपया 1,76,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक का जो चेयरमैन है वो देने को इनकार किया था, एक कमेटी बना के आज बैंक का ऐसा हालत है कि कोई बैंक अगर फेल हो जाएगा तो कानून बना दिया नरेंद्र मोदी कि बैंक का पैसा आपको पूरा नहीं भी मिल सकता है। पहले बोला था कि 1 लाख करके दिया जाएगा, आप रिटायर किए 20-30 लाख रुपया मिला, बैंक पर रखे, बैंक फेल हो गया, बंद का होने का बराबर हो गया था। उस टाइम दिल्ली का सरकार इसको कंपनी को निजीकरण किया था, सरकारीकरण किया था, इसको कंपनी का 14,000 आदमी बच गया था। आपको देखना है कौन नेता का सोच क्या है, आपको देखना है कौन नेता क्या काम कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जो हमेशा श्रमिकों का साथ में रह के श्रमिक का भलाई के लिए काम किया, एक तरफ में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा श्रमिक को कैसे दबाया जाए, श्रमिक का नौकरी कैसे छीना जाए, कैसे पूंजीपति का हाथ में सब उद्योग को दे दिया जाए, आज यही चक्रम नरेंद्र मोदी लेकर रहा। आपको मालूम है 500 हवाई अड्डा अदानी को बेच दिया गया, 5 हवाई अड्डा अदानी को बेच दिया गया 5 साल के अंदर। अभी रेल कंपनी से शुरू करके जितने भी उद्योग है, चाहे अदानी नहीं तो अंबानी, किसी कोई भी अगला दिन मालिक बनने जा रहे हैं। मोदी जी ने आवाज दिया था अच्छे दिन आ रहा, नंबरों से नहीं होगा, अच्छे दिन नहीं आया, इसका जमाना में आएगा भी नहीं, अच्छे दिन दो ही आदमी का आया, एक का नाम है अदानी, दूसरा का नाम है अंबानी। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए समाप्त करने का आगे खाली यही आप लोग को कहूंगा, हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी सोमवार 23 तारीख को नेताजी इंडोर स्टेडियम में निजीकरण का विरोध में, ये प्राइवेटाइजेशन का विरोध में एक सभा उन्होंने बुलाया। हमने हरेराम सिंह जी को बोला हर कोयला खदान से कम 1-2 बस भर के उस दिन नेताजी इंडोर स्टेडियम में हम लोग को दिखा दे रहा है कि मोदी जी का जो FDI है, FDI का विरोध में पूरा कोयला खदान का श्रमिक है, कोई FDI नहीं बनता है। सफल করার জন্য আপনারা সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। সাথে সাথে আমাদের ইন্ডিয়ানের যিনি দায়িত্ব এখানে রয়েছেন হরেরামজি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটি কলিয়ারিতে আজ KKC যে শাখা সংগঠন গড়ে উঠেছে, যে সংগঠনটা গড়ে উঠেছে তার জন্য তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানালাম। একদিন আমরা দেখেছিলাম এই ইউনিয়ন বানপড়বেড়া বলে যখন আমাদের তৈরি হয়েছিল তখন অনেক লড়াই অনেক আন্দোলন আমাদের নেতৃত্বকে সহ্য করতে হয়েছিল, হরেরামজিকে বহুবার বহুভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল, নরেনকে অনেক আক্রমণ করা হয়েছিল, নরেন চক্রবর্তীকে বিভিন্নভাবে, কিন্তু সেই সময় থেকে আমরা যে শপথ নিয়েছিলাম তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যারা যুক্ত রয়েছি এই সঙ্গে সংগঠনকে পাড়িয়া করি অঞ্চলে
আমাদের সংগঠিত করতে হবে, লড়াই করতে হবে। আর আজকে অত্যন্ত খুশির সাথে বলতে হচ্ছে যে আমাদের শ্রমিক সংগঠন AKKSC, এই তৃণমূল কংগ্রেসের যে সংগঠন, সেই সংগঠন আজকে সবচাইতে বেশি ইসলাম কনফ্লিক্ট সিমিটের মধ্যে নিজেদের জায়গা দখল করে রেখেছে। আমাদের নেতৃত্ব সেরে এসেছেন, তিনি সভানেত্রী, রাজ্য সভানেত্রী, আইএনডিটিউসি তিনি রয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বলয় পাঠক রয়েছেন, তিনি লেবার দপ্তরে আইন এবং বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বের বিভাগীয় মন্ত্রী তিনি রয়েছেন, আমাদের জিতেন্দ্র গাড়ি রয়েছেন, আমাদের জেলা সভাপতি বিধায়ক এবং আসানসোলের পুর নিগমের মেয়র তিনি রয়েছেন, দাসু ভাই রয়েছেন যিনি জেলার চেয়ারম্যান দলের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে, এবং তাপস দায় এসেছেন এলইডি এর চেয়ারম্যান এবং আসানসোলের বিধায়ক তারা রয়েছেন। আমরা সকলে মিলে এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। FPI মানছি না, মাদমোদা এই দাবিকে সামনে রেখে চলবে আমাদের লড়াই। আগামী দিন আমরা আরও লড়াইয়ের দিনে প্রস্তুত থাকব, যেভাবে আমাদের দলনেত্রী মমতা দিয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দেবেন সেই মতোই আমরা এগিয়ে যাব। এই কথা বলে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভা এখানে আমরা শেষ করছি। জয় হিন্দ। ডিউপি সাহেব, হম লোক FDI কে লেকর কে বাত কিয়ে কি ভাই জো 100% FDI জো লাগু করনে যা রহে হে কেন্দ্র সরকার, উসকা হম লোক বিরোধ করতে হ্যাঁ, উসকা হম লোক বাত এই বাত কিছু একই পয়েন্ট পর করতে হ্যাঁ। সচ হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট যে তো ডিসাইড কর লিয়ে FDI করনে কা, ইস লড়াই কো আপ কিতনা তক লে জাওগে? সড়ক সে লেকে সংসদ তক লে জায়েঙ্গে, পার্লামেন্ট মে জব আয়েগা ইয়ে মামলা, পার্লামেন্ট মে বিরোধ করেঙ্গে, হামারে MP হ্যাঁ, वहाँ जो होगा होगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी के लेकर के 23 तारीख को कलकत्ता में इंडोर स्टेडियम, नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी मीटिंग उठाई। कुछ लेबर का कहना है कि हमारे सर पे तलवार लटक रही है, लेकिन एक ग्रुप बोला कि आपको स्ट्राइक करें, एक ग्रुप बोला स्ट्राइक मत करो, हम किसके साथ जाएं? माने ये बात है ना कि स्ट्राइक ही समाधान नहीं है। आप जानते हैं कि बंगाल को बर्बाद करने में CPM ने 34 साल में स्ट्राइक कर बर्बाद, ममता बनर्जी 2011 में सरकार में आई, तब से एक भी स्ट्राइक हमारी सरकार ने नहीं किया। स्ट्राइक ही समाधान है समस्या का, ऐसा बात नहीं हमारी सरकार और हमारी पार्टी नहीं है। जो लेबर आप लोगों के साथ नहीं आए हैं उसके लिए क्या मैसेज है? सबको ड्यूटी करना चाहिए, हमारा मैसेज यही है कि सब ड्यूटी करिए और विरोध जो करना हम लोग करेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हड़ताल ही समाधान है ऐसा बात नहीं है। और हम तो पूछना चाहते हैं जो ट्रेड यूनियन हड़ताल करने जा रहे हैं, इसे जितना हड़ताल किए उससे क्या रिजल्ट हुआ है बता दें, हम लोग भी शामिल हो जाएंगे हड़ताल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप कोल इंडिया के ऊपर धरना का प्रोग्राम हम लोगों को लेने जा रहे हैं और 23 तारीख को दीदी के साथ बात करके फिर हम